गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर द फन दे हैड। द स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू नो वेरी वेल देर आर बेसिकली फोर कैरेक्टर्स। फर्स्ट मार्जी, टॉमी, मार्जीज मदर एंड काउंटी इंस्पेक्टर। सो लेट अस स्टार्ट the line wise explanation of this chapter. First of all, pre-reading task. Read these questions and share your responses with your partner. First question, at what time do you go to school? आप किस टाइम स्कूल जाते हो? Do you like going to school? क्या आपको स्कूल जाना पसंद है? Why or why not? क्यों और क्यों नहीं? Second question, what would happen if your teachers were replaced by computer? क्या होगा अगर आपके टीचर्स को रिप्लेस कर दिया जाए कंप्यूटर टीचर्स के द्वारा, या यू कैन से कंप्यूटर्स के द्वारा, और यू कैन से अदरवर्ड यू कैन से रोबोट्स। थर्ड, हाउ लॉन्ग डज इट टेक, कितना टाइम लगता है यू टू रीच योर स्कूल को अपने स्कूल पहुंचने में, एंड डू यू इन्जॉय द जर्नी, क्या आपको स्कूल जाते हो जब वो यात्रा अच्छी लगती है आपको, स्कूल जाने का मतलब आप इन्जॉय करते हो जब स्कूल जाते हो रास्ते को। फोर्थ, डू यू लाइक वकेशन, क्या आपको छुट्टियाँ पसंद है, हॉलीडेज, वाई, क्यों। फिफ्थ, वट वुड यू प्रेफर, आप किसको प्रेफर करते हो, स्टडिंग एट होम, घर पे बैठ के स्टडी करना, और गोइंग टू स्कूल या स्कूल जाकर स्टडी करना पढ़ना। लास्ट वन इज़ हाउ मैनी आवर्स डू यू स्टडी, आप कितने घंटे पढ़ते हो। वर्क ऑन अ कंप्यूटर, डू यू वर्क ऑन ए कंप्यूटर, क्या आप कितने घंटे तक कंप्यूटर पे काम करते हो इन योर स्कूल, एंड वुड यू लाइक टू वर्क लॉन्गर, क्या आप उससे भी ज़्यादा लंबे टाइम तक काम करना पसंद करोगे। नाउ लेट अस स्टार्ट लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन। नाउ रीड दिस स्टोरी बाय इसाक एजिमोव अबाउट द स्कूल एक्सपीरियंस ऑफ टू चिल्ड्रन लिविंग इन 2155 मीन्स 2155। ये 21st सेंचुरी की बात है। देर इज़ कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट एजेस, 21st सेंचुरी एंड बिफोर 21st एंशियंट टाइम। सो मार्जी इवन रॉट अबाउट इट, मार्जी ने इस विषय में लिखा इन हर डायरी, उस रात अपनी डायरी में, ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2155। वह पन्ना जिस पर उसने लिखा था 17 मई 2155, शी रॉट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, उसने लिखा कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिल गई थी। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत ही पुरानी पुस्तक थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सैड, मार्जी के दादाजी ने उसको बताया था दैट व्हेन ही वॉज लिटल बॉय, कि जब वो छोटा बच्चा था, हिज ग्रैंड फादर टोल्ड हिम दैट, उसके दादाजी ने उसको बताया था, मीन्स मार्जी के दादा, देर वॉज अ टाइम, पहले एक ऐसा टाइम होता था वैन ओल्ड स्टोरीज़ वर प्रिंटेड ऑन पेपर्स, कि जब सारी स्टोरीज जो थी वो कागज पर छपती थी। When they turned back to the page before, उन्होंने जब वापस उसी पन्ने को पलट कर देखा, it had the same words on it that it had when they read it the first time, तो उस पेज पर वही वर्ड थे जो उन्होंने फर्स्ट टाइम पढ़े थे। घी, घी मीन्स क्या होता है, एन एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज, हैरान हो जाना, हैरानी का भाव होना। सैड टॉमी, वट ए वेस्ट, अरे टॉमी ने कहा कितनी व्यर्थ सी बात, कितना वेस्टेज है ये। वन यू आर थ्रू विद द बुक, यू जस्ट थ्रू इट अवे, हियर थ्रू मीन्स स्टडी, कि जब तुम इस बुक को पढ़ चुके हो तो यू जस्ट थ्रो इट अवे, तुम्हें इस बुक को फेंक देना चाहिए, आई गेस, मुझे ऐसा लगता है। अवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड मिलियन बुक्स ऑन इट,
हमारी जो टेलीविज़न स्क्रीन है उस पर लाखों पुस्तकें लिखी पड़ी होंगी, बुक्स अवेलेबल होंगी, एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर। लेकिन यह पुस्तक उनसे काफ़ी अच्छी है। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसे नहीं फेंकूंगा। हु इज़ आई हेयर? टॉमी। सेम विद माइन, सैड मार्जिगी, मार्गी ने कहा। शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13। सेम विद माइन मीन्स द सेम थिंग इम्प्लीमेंट ऑन माई टेलीविजन स्क्रीन, कि मेरी टेलीविजन स्क्रीन पे भी यही बात इम्प्लीमेंट होती है, मार्जी ने कहा, जो 11 ईयर्स ओल्ड है और जो टॉमी है वो 13 ईयर ओल्ड है। जो मार्जी है उसकी आयु कितनी है? 11 वर्ष है और टॉमी की 13 वर्ष है। शी सैड वेयर डिड यू फाइंड इट, उसने पूछा तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली? इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। वट इज़ इट अबाउट स्कूल? मेरे घर में, उसे बिना देखे ही एक रेफरेंस दे दिया, इशारा कर दिया, पॉइंट आउट किया, क्योंकि वह पढ़ने में काफ़ी व्यस्त था। सो एटिक मीन्स क्या होता है? अ रूम एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। जैसे हम क्या करते हैं, रूम के अंदर एक स्लैब डालते हैं सीलिंग से नीचे, ताकि कुछ भी कोई वेस्टेज और कुछ हो लिटिल बिट, तो हम उसको ऊपर रख सकते हैं किसी चीज़ को ऊपर रखने के लिए। तो उसने पूछा व्हाट इज़ इट अबाउट, ये किसके बारे में है? स्कूल। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कॉर्नफुल मीन्स क्या होता है? शोन डिसलाइक और हेटेड, काफ़ी घृणा शो की उसने। आई हे स्कूल, व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने की क्या ज़रूरत थी? आई हेट स्कूल, मुझे बहुत नफरत है स्कूल से। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट ऑफ टेस्ट इन ज्योग्राफी। जो मैकेनिकल टीचर था वो बार बार उसे ज्योग्राफी में टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा था। शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हैड सोरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटिंग इंस्पेक्टर। और मार्गी वॉज डूइंग वेरी बैड। जो मार्जी थी बहुत बुरा कर रही थी टेस्ट को, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं, शी वॉज नॉट गिविंग गुड परफॉर्मेंस। एंड अंटिल कब तक? जब तक उसकी मदर अपने सर को पकड़ कर नहीं बैठ जाती है, सोरोफुली काफ़ी दुखी हो जाती है वो। शी वॉज वेरी अपसेट, काफ़ी परेशान हो जाती है बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ मार्जी इन ज्योग्राफी। सो दैट्स वाई शी सेंट फॉर मिस का द कॉल, उसने बुलावा भेजा किसको? काउंटिंग इंस्पेक्टर को। नाउ लुक एट द पिक्चर नियर द रोबोट, हियर इज काउंटिंग इंस्पेक्टर। He was a round little man with a red face. He was a round little man with a red. वह एक लाल चेहरे वाला एक गोलमटोल छोटे कद का एक आदमी है। And a whole box of tool with dials and wires. उसके पास एक बॉक्स है, उसके अंदर क्या है? टूल्स हैं, डायल्स हैं और वायर्स हैं। And he smiled at her and gave her an apple. उसने मार्जी को स्माइल पास की और उसको एक एप्पल दिया। एंड देन टुक द टीचर अपार्ट, फिर उस टीचर को उसे रिपेयर करने के अलग अलग उसके पार्ट्स को अलग अलग किया स्क्रीन के। मार्जी हैड होप्ड, मार्जी को उम्मीद थी, ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि शायद इसको पता ना हो इसको दोबारा से कैसे जोड़ा जाता है और शायद इसको दोबारा से जोड़ ना सके, अटैच ना कर सके। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे यू विल लिसन इट ट्वाइस एंड थ्राइस सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। So till then, thanks and have a nice day.